कर रहा है, कहां कहां इसका असर दिखाई दे रहा है, ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। भजन सरकार को भाया योगी मॉडल, हटाया अतिक्रमण, यूपी जैसा एक्शन, पीला पंजा आएगा सब तोड़ जाएगा। राजस्थान में अवैध निर्माण करने वाले और अतिक्रमण करने वालों पर सरकार का पीला पंजा जोरदार एक्शन में है। राज्य के कई शहरों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन के चलते अतिक्रमण करने वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। इसी फेहरिस्त में जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक 700 अवैध दुकानों पर सरकार का पीला पंजा चला है। वहीं जयपुर के मानसरोवर में हीरा पथ से वंदे भारत मार्ग तक सड़क सीमा विस्तार के चलते जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में कई घरों को तोड़ दिया गया है। इस प्रक्रिया में उन लोगों के घर भी उजड़ गए जिनके पास केवल एक ही आशियाना था। लोगों की अतिक्रमण एक्शन के बाद सरकार से मुआवजे की भी मांग है। कैसे बनाएंगे, हम इसमें रहेंगे, इसमें खाएंगे, बाहर बनाएंगे और तो खाया ही बनाएंगे, मजबूर हैं भी, क्या कर सकते आपके सामने, क्या कर करें और कहे, सरकार के सामने कुछ नहीं कर सकती। 100 गज का मकान है, 100 का 100 गज जा रहा है, पूरा ऐसे कैसे जा रहा है, थोड़ा बहुत ही बचता तो हम सोचते कि दुकान खोल के रोजी रोटी चला लेंगे, पर कुछ बची नहीं रहा, चलाएं कहाँ से रोजी रोटी। ये पैसे वालों का है, पैसे फेंको तमाशा देखो, ये बात सही है। आप मुआवजा की बात करो, मुख्यमंत्री के इतनी बार जा क्या, एक बार मुख्यमंत्री सामने भी आए क्या? विधानसभा क्षेत्र के भजन लाल जी, हमने वोट दिए उन्हें, हमने, हमारी ये हालत है, वोट देके अब मधुस्वामी, ये है हमारी हालत। राजस्थान में चल रही ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत से व्यापारी नाराज भी हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि जयपुर में हुई हाल ही की कार्रवाई में व्यापारियों का क्या कहना है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक 700 अवैध दुकान, 6.5 किलोमीटर रोड पर 700 दुकान। JDA ने अतिक्रमण हटाने के लिए 5 दिन का समय दिया। यहाँ व्यापारी 30 से 40 साल से व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों ने की है मुआवजे की मांग, व्यापारियों ने की है BRTC हटाने की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर यहां 19 जून को न्यू सांगानेर रोड पर करीब 700 दुकानों को नोटिस जारी किया गया था। वहीं इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। इससे पहले JDA ने हीरा पथ न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम तक 250 अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे। वहीं इस बुलडोजर कार्रवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस एक्शन से एक तरफ जहां शहर का सौंदर्यकरण होने में मदद मिलेगी, वहीं असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण से भी लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु जुड़ गए हैं राजस्थान के जयपुर से हमारे साथ में। विष्णु, जगह जगह, इनफैक्ट आप तो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पीला पंजा चल रहा है, लोगों में नाराजगी भी है साथ ही साथ दहशत भी है, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए। देखिए रचना, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कल से ही जो JDA का पीला पंजा है वो न्यू सांगानेर रोड पर चल रहा है और करीब करीब 651 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको तोड़ा जाना है। 6.5 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पर करीब 691 ऐसे जो अवैध निर्माण है जो इस सड़क पर बने हुए थे। 160 फीट ये सड़क थी लेकिन अब इसको 200 फीट किया जा रहा है। जो कोर्ट का आदेश आया, इस सड़क पर अतिक्रमण था, एक साइड जो सड़क की एक तरफ है वहाँ पूरे ये अवैध निर्माण बने हुए हैं जिसको लगातार JDA तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। कल से ही जो JDA की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और करीब 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 1 दर्जन से अधिक JCB मशीनें, रॉकलैंड मशीनें, तमाम संसाधन यहाँ पर लगाए गए हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो JDA के बुलडोजर हैं वो राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में गरज रहे हैं। तमाम जो समझाइश उन तमाम व्यापारियों के साथ भी की गई जिन व्यापारियों विरोध जता रहे थे, लगातार JDA के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत, अधिकारियों ने उन लोगों के साथ बातचीत की, बिठाया, समझाया, उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं। इसी वजह से, इसी समझाइश का असर है कि यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन कल से देखने को नहीं मिल रहा है। कोई हल्का भारी विरोध अगर होता है तो जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो इन तमाम चीज़ों को संभालते हैं और साथ ही साथ ये करीबन 140 जो अवैध स्ट्रक्चर थे उनको कल तोड़ दिया गया और अब जो बचे हुए हैं उन पर लगातार बुलडोजर जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस की तैनाती यहाँ पर किस तरह से भारी मुस्तैदी पुलिस की रखी गई है क्योंकि
व्यापारियों के ओर से विरोध की आशंका थी, उस विरोध को संभालने के लिए, उस विरोध विरोध को कम करने के लिए, इसी वजह से यहाँ पर तमाम जो लोगों को तैनात किया गया था, आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से JDA का बुलडोजर यहाँ पर दो दिन से चल रहा है और 3 तारीख तक ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि 6.5 किलोमीटर की यह सड़क सीमा है, जिसमें एक साइड की जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, इसी साइड पर जो अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ था, और 160 फीट की यह सड़क है, इसको 200 फीट किया जाना, 2011 का जो मास्टर प्लान था तभी से यह सड़क प्रस्तावित थी, और एक लंबा समय व्यापारियों को भी दिया गया, क्योंकि ये पूरे जो स्ट्रक्चर हैं वो अवैध बने हुए थे, सड़क सीमा पर इनका निर्माण किया गया था, इसी वजह से जब कोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद तुरंत इनको फिर से नोटिस जारी किए गए, 5 दिन का समय JDA की ओर से दिया गया कि 5 दिन में आप अपने अवैध निर्माण हटा लीजिए, अगर 5 दिन के अंदर आपने अवैध निर्माण नहीं हटाए तो उसके बाद JDA अपने स्तर पर तमाम अवैध निर्माणों को हटाएगा, तो उसी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। JDA लगातार कल से ही जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त कर रहा है, मकान, दुकान, फार्म हाउस, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो इस सड़क पर बनी हुई थी, उन सभी को JDA की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार जो JDA के अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जो समझाइश लोगों के साथ कर रहे हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, अड़चने आती हैं तो उसको हैंडल किया जाता है, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो लोगों को समझाने के बाद जो बुलडोजर लगातार जो है चल रहे हैं, CCE हैं महेंद्र कुमार शर्मा, जिनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई चल रही है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दूसरा दिन है आज, कितने स्ट्रक्चर तोड़े? करीब 125 स्ट्रक्चर अभी तोड़े जा चुके हैं और अभी कार्रवाई लगातार जारी है, ये अभी हाउसिंग बोर्ड चौराहे तक हमारी कार्रवाई चल रही है। कल करीब 150 के आसपास स्ट्रक्चर तोड़ दिए थे, आज 150 के आसपास आज? बिल्कुल, आज 150 से ज़्यादा हो जाएंगे। सर, व्यापारी विरोध भी कर रहे थे, किस तरह से समझाया उनको आप, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे? समझाइश का ही तो असर है, बिल्कुल हमें जो जनता का सहयोग मिल रहा है और लोगों ने स्वयं ही अपने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली कर लिए। सुबह जो स्टे की बात आई थी, कितने स्टे का परीक्षण कराया गया, कितने अब स्टे हैं इस सड़क पर? करीब 15 से 20 प्रकरण टोटल स्टे के सामने आए, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कोर्ट से जिन मकानों पर स्टे हैं, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर स्टे आया गया था, उनको भी जो JDA की जो टीम है, जो जॉन की टीम है, उसके द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है, और उसके बाद उन सभी की पैरवी JDA की ओर से की जाएगी और उसके बाद उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। ये न्यू सांगानेर रोड है जहाँ पर लगातार अब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है वो JDA की टीमें तय कर चुकी हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरा पर्सन मनोज चुकाऊंगा एक बार दिखाएं, रॉकलाइन मशीनें, JCB मशीनें, जो पेट्रोल पंप जो है उस पर अवैध निर्माण किया हुआ था, पेट्रोल पंप के बाहर जो अवैध निर्माण था उस पर JCP की जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, JDA की जो मशीनें। जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, लगातार पीला पंजा अभी भी चल रहा है और खबरें अब इस तरह की हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल को योगी मॉडल बहुत ज़्यादा भाग गया है, और इसी तरीके से बाबा का जो बुलडोजर स्टाइल यूपी में फेमस था, अलग अलग राज्यों में उसकी छाप और अब राजस्थान में भी दिखाई दिया। विष्णु, शुक्रिया आपका, कुछ और रिपोर्ट्स आगे भेजिएगा ताकि आगे दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचा सकें, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आगे।